أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मैं हूं हनीफ खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AH5 एजुकेशन एंड ट्रूथ। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। इस्लाम के चौथे खलीफा राशिद सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी के खून चका वाकयात, उन्होंने खिलाफत के 6 मुश्किल तरीन साल कैसे गुजारे इंतहाई दिलचस्प अंदाज में। इरशाद नबवी है, ए अली, क्या तुम इस पर राजी नहीं कि तुम्हें मेरे साथ वही निस्बत हो जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी? अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। जमात अस्हाब रोशन सितारे हैं, आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कमोबेश है। यही मिसाल सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम की है, लेकिन हैं सभी रोशन। इनमें सबसे नुमाया, सबसे रोशन और सबसे ताबनाक बहरहाल पहले 4 सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम ही हैं। यही पहले 4 अस्हाब खुलफाए राशिदीन हैं। अशरा मुबशरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम है। यूं तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे ही सहाबा को जन्नत की बिशारत दी है, फिर उन सहाबा का दर्जा सबसे बुलंद बताया जिन्होंने इस्लाम लाने में पहल की, अल्लाह के रास्ते में हिजरत की, काफिरों से जिहाद किया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ऐसे ही सहाबा में शामिल हैं। उन्हें ये इज्जत भी हासिल है कि वो बद्री सहाबी हैं। अल्लाह ताला ने बद्री सहाबा की सब खताएं मुआफ कर दी। अली बैत रिजवान करने वालों में भी शामिल थे कि जिनको अल्लाह ताला ने वाज़ह अल्फाज में अपने राजी होने की खुशखबरी दी है, फिर उन्हें शहादत भी नसीब हुई। मुसलमानों का ईमान है कि राह हक में शहीद जन्नती हैं। इन सब बातों के अलावा सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु उन 10 सहाबा में भी शामिल हैं जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बिशारत दी गई, यानी अशरा मुबशरा में हैं। इन तमाम खुसूसियात के अलावा आपकी एक खुसूसियत ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आपके निकाह में दी। इस जलीलुल कद्र हस्ती की जिंदगी के औराक आपके सामने रखते हैं। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु 6 सदी ईस्वी के आखिरी साल यानी 600 ईस्वी में या 601 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल के करीब थी, गोया अली रज़ी अल्लाहु अन्हु आपसे 30 साल छोटे थे। हिजरी सन सैयदना अली की पैदाइश के करीबन 23 साल बाद शुरू हुआ, मतलब ये कि आपने हिजरत से 23 साल पहले इस दुनिया में आंख खोली। वालिदा ने नाम असद या हैदर रखा, लेकिन वालिद ने अली नाम रखा। फिर इसी नाम पर दोनों का इत्तेफाक हो गया, अलबत्ता हैदर उनका लकब हो गया। आपकी कुनियतें अबुल हसन और अबू तुराब थीं। अबू तुराब की कुनियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। आपके लकब असद, मुर्तजा और हैदर हैं। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू तालिब के बेटे थे। उनका खानदान वही था जो आपका था, और ये कबीले कुरैश का सबसे ज्यादा इज्जत वाला घराना था। ये घराना बनु हाशिम कहलाता था। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाशिमी थे और सैयदना अली भी हाशिमी थे। सैयदना अली के वालिद का नाम तो अब्द मनाफ था, लेकिन वो अपनी कुनियत अबू तालिब से मशहूर थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जनाब अब्दुल्ला उनके सगे भाई थे। उनका नसब इस तरह है, अबू तालिब बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब बेटे थे हाशिम के, हाशिम बेटे थे अब्द मनाफ के, और अब्द मनाफ बेटे थे कुसई के। अबू तालिब मक्के के बुजुर्ग और सरदार थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कते थे, आपको अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहते थे। आप 25 साल की उम्र तक अबू तालिब के साथ ही रहे, फिर उनकी इजाजत से मक्के की एक नेक खातून सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से शादी कर ली और अलग रहने लगे।
आपने नबूवत का ऐलान किया तो कुरैश जान के दुश्मन बन गए, लेकिन ये अबू तालिब ही थे जो आपकी हिमायत में उठ खड़े हुए, हर तरह से आपका साथ दिया। अली रजी अल्लाह अन्हो की वालिदा का नाम फातिमा रजी अल्लाह अन्हा था, वो भी हाशिमी थी। ये आप पर ईमान ले आई थी, ये भी आपसे हद दर्जे मोहब्बत करती थी। उन्होंने हिजरत भी की और हिजरत के 4 या 5 साल बाद वफात पाई। सैयदना अली कोई 5 बरस के थे कि मुल्क में कहत पड़ गया। अबू तालिब पर एक बड़े कुनबे का बोझ था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अली को मांग लिया। उस वक्त से सैयदना अली आपके साथ रहने लगे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनकी परवरिश और तरबियत में आपका बराबर साथ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो उस वक्त सैयदना अली की उम्र करीबन 10 बरस थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह बच्चों में सबसे पहले उन्हीं को इस्लाम की दौलत नसीब हुई। अब वो भी आपके साथ नमाज पढ़ने लगे। एक दिन उनके वालिद अबू तालिब ने उन्हें आपके साथ नमाज पढ़ते देखा तो पूछा, बेटा ये दीन क्या है जिस पर तुम चल रहे हो? उन्होंने फौरन जवाब दिया, अब्बा जान मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया हूँ, उनकी तस्दीक कर चुका हूँ और ये मैंने उनके साथ नमाज पढ़ी है। इस पर अबू तालिब ने कहा, मोहम्मद तुम्हें भलाई के सिवा किसी चीज की तरफ नहीं बुलाएंगे, तुम उनके साथ लगे रहो। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो बचपन ही से नेक थे, बुतों से नफरत करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने उन्हें इल्म का समुंदर बना दिया। लड़कपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया। उस जमाने में ये बहुत बड़ी खूबी की बात थी। उसी जमाने में उन्होंने हथियार चलाने और दुश्मन से लड़ने का ढंग भी सीख लिया। जवान होने तक उन्होंने सिपाहगरी के उसूल और कायदे पूरी तरह सीख लिए। कुश्ती में तो कोई उनसे जीत नहीं सकता था। वालिद की वफात के बाद सिर्फ 3 बरस मक्के में रहे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो सैयदना अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। लोगों की जो अमानतें आपके पास थीं, वो सब आपने अली के हवाले की और फरमाया, ये अमानतें इनके मालिकों को सौंप कर मदीने आ जाना। काफिरों ने उस वक्त आपके घर को घेर रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त घर से निकले तो अल्लाह ताला ने काफिरों की आंखों पर पर्दे डाल दिए और वो आपको न देख सके। सुबह उन्हें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान छोड़कर जा चुके हैं तो वो बहुत झुंझलाए। उन्होंने अली को पकड़ लिया, आंखें निकाल कर बोले, बताओ तुम्हारे साहिब कहाँ हैं? इस पर सैयदना अली ने जवाब दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं। ये जवाब सुनकर उन्हें सख्त गुस्सा आया, डांट डपट की, फिर उन्हें अपने साथ ले गए, एक जगह कैद कर दिया, लेकिन जब उनसे कुछ मालूम न हो सका तो छोड़ दिया। अब उन्होंने लोगों की अमानतें लौटाई, फिर मक्के से हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त आप कुबा में तशरीफ फरमा थे। अली रजी अल्लाह अन्हु ने मक्के से कुबा तक का सफर पैदल तय किया। ये 125 मील का सफर है। कुबा पहुंचे तो पांव में छाले पड़ चुके थे। फिर आप रजी अल्लाह अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने आ गए। हिजरत के बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो ने 35 बरस से कुछ ज्यादा मुद्दत मदीने में गुजारी। ये उनकी मदनी जिंदगी कहलाई। हिजरत से कुछ अरसा बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। इस तामीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा ने भी हिस्सा लिया। वो ईंटें और गारा ढोते वक्त अशआर पढ़ते, जिनका मतलब है, जो मस्जिद तामीर करता है खड़े होकर और बैठकर मशक्कत बर्दाश्त करता है, और जो गर्दो गुबार और मिट्टी से बचने के लिए इससे जी चुराता है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। मस्जिद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने के लिए चंद हुजरे भी तामीर हुए। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु भी यहीं आ गए। हिजरत के बाद आपने भाईचारा कराया तो अली को अपना भाई बनाया। हिजरत के दूसरे साल आपने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी अली से कर दी। उस वक्त सैयदना अली के पास एक जिरा और एक घोड़े के सिवा कुछ नहीं था।
उन्होंने ये जिरा सैयदना उस्मान के हाथ 480 दिरहम में फरोख्त कर दी। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने ये रकम उन्हें दे दी और जिरा भी ये कहकर लौटा दी कि ये मेरी तरफ से तोहफा है। इस रकम से उन्होंने शादी का सामान खरीदा और घर की जरूरत के लिए भी रकम बचाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा फरमाया, उनके सामने निकाह पढ़ाया। रुखसती चंद माह बाद हुई। जिरा की कीमत में से जो रकम बची थी उससे सैयदना अली ने वलीमे की दावत का इंतजाम किया। इस दावत में खजूरें, जौ की रोटी, पनीर और एक खास किस्म का शोरबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती के वक्त अपनी बेटी को ये चीजें दी, एक चारपाई, एक बिस्तर, चमड़े का एक तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, पानी का एक मशकीजा, मट्टी के दो घड़े, अनाज पीसने की एक चक्की, मट्टी का एक प्याला और दो चादरें। सैयदा फातिमा जब अपने खावंद के साथ उनके घर चली गईं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए। पहले दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत मांगी, फिर अंदर दाखिल हुए। एक बर्तन में पानी मंगवाया, दोनों हाथ उस पानी में डाले, हाथों से पानी उन दोनों पर छिड़का, फिर फरमाया, ऐ फातिमा, मैंने तुम्हारी शादी अपने खानदान के बेहतरीन शख्स से की है। उसी साल रमजान 2 हिजरी में बद्र की लड़ाई पेश आई। शादी के बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का बहुत ख्याल रखते थे, वो भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। दोनों ने घर के काम आपस में बांट लिए थे। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए तो अली घर में नहीं थे। सैयदा फातिमा से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मेरा उनसे कुछ झगड़ा हो गया था, गुस्से में घर से बाहर चले गए हैं। आपने उनके बारे में पता कराया तो वो मस्जिद में सो रहे थे। आप मस्जिद में तशरीफ ले गए, वो वाकई वहां सो रहे थे। चादर पहलू से सरक गई थी और मट्टी उनके जिस्म से लग गई थी। आप मट्टी पूछने लगे और फरमाया, अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो। उस रोज से आपका लकब अबू तुराब मशहूर हो गया। तुराब मट्टी को कहते हैं, यानी मट्टी वाला। कोई उन्हें अबू तुराब कहता तो बहुत खुश होते। उन्हें दुनिया के सामान और मालो दौलत से बिल्कुल प्यार नहीं था। उनकी जिंदगी फकीराना थी। मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाते थे, रूखी सूखी खाकर गुजारा करते थे। लड़ाई के मैदान में जाते तो फरमाया करते थे, लड़ाई के मैदान में मुझे परवाह नहीं होती कि मौत मेरी तरफ आ रही है या मैं मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसी दिलेरी की वजह से आप रजी अल्लाह अन्हो असदुल्लाह के लकब से मशहूर हुए। बद्र की लड़ाई में सैयदना अली भी शरीक हुए। उनके हाथ में एक झंडा था। दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो काफिरों के लश्कर से उत्बा, शैबा और वलीद मैदान में निकले और मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। मुसलमानों की तरफ से भी 3 अंसारी जवान औफ, मुअव्विज और अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हुम मैदान में आ गए, लेकिन इन तीनों को देखकर काफिरों ने उनसे लड़ना अपनी शान के खिलाफ समझा। उत्बा ने पुकार कर कहा, ए मोहम्मद, ये लोग हमारे जोड़ के नहीं हैं, हमारी कौम के लोगों को हमारे मुकाबले पर भेजो। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली, सैयदना हमजा और सैयदना उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हुम को हुक्म दिया कि आगे बढ़कर उनका मुकाबला करें। तीनों बहादुर फौरन आगे बढ़े। उस वक्त सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने सर पर सफेद सूफ का तुर्रा लगा रखा था। उनका सामना वलीद से हुआ, सैयदना हमजा का उत्बा से और सैयदना उबैदा का शैबा से हुआ। वलीद और उत्बा दोनों सैयदना अली और सैयदना हमजा के हाथों मारे गए, लेकिन उबैदा शैबा के हाथों जख्मी हुए। अली शैबा पर झपटे और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। जख्मी उबैदा को मैदान से उठा लाए। इसके बाद आम लड़ाई शुरू हुई। सैयदना अली इस कदर पुरजोश अंदाज में लड़े कि जिस तरफ निकल गए काफिरों की सफें काट कर रख दी। दूसरे मुसलमान भी बहुत बहादुरी से लड़े और काफिरों को शिकस्त दी। उनके बड़े बड़े सरदार इस लड़ाई में मारे गए, यहां तक कि अबू जहल भी जहन्नम रसीद हुआ। अगले साल उहद की लड़ाई हुई। इस लड़ाई की इब्तिदा में काफिरों की तरफ से तलहा बिन अबी तलहा मैदान में निकला और पुकारा, कोई है जो मेरे मुकाबले में आए। ये सुनकर सैयदना अली दौड़कर उसके मुकाबले में आ गए
और एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। फिर तलहा का एक भाई अबू सईद निकला। सैयदना अली ही ने उस पर भी तलवार का एक वार किया, वो जमीन पर गिर पड़ा और साद बिन अबी वकास के हाथों मारा गया। फिर काफिरों के लश्कर से उनका सबसे बड़ा बहादुर अरतात निकला। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। उसने ललकार कर कहा, कोई है जो मेरे मुकाबले में आए? अली आगे बढ़े और देखते ही देखते उसका काम तमाम कर दिया। फिर जब आम लड़ाई शुरू हुई तो सैयदना अली और सैयदना हमजा काफिरों की सफों में दूर तक घुस गए और इस कदर तेजी से लड़े कि काफिरों के पांव उखड़ गए। फिर दरे पर मौजूद दस्ते की अपनी जगह से हट जाने पर जब उस तरफ से काफिर मुसलमानों पर हमला आवर हुए और मुसलमानों के पांव उखड़ गए तो चंद बहादुर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान में जमकर खड़े रहे। इनमें सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो भी थे। काफिरों ने आप पर तीरों की बुझाड़ कर दी, बार बार आप पर हमला किया, लेकिन उन सहाबा ने उन्हें हर बार पीछे हटा दिया। आखिर मुसलमान फिर से जमा हुए और काफिरों को मार भगाया। इस लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना हमजा भी शहीद हुए। उस रोज सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथों कई काफिर मारे गए। इस मुहिम के शुरू होने से आखिर तक सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। गज़वाए खंदक में अरब के नामी बहादुर अब्द वद ने जब खंदक पार कर ली तो सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु उसके मुकाबले में आए। वो बहुत बहादुर समझा जाता था। उसके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो 1000 सवारों के बराबर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अली तुम बैठ जाओ, और फरमाया ये अब्द वद है। उसने फिर ललकारा, सैयदना अली फिर उठकर आगे बढ़े। आपने इस बार भी बिठा दिया। तीसरी बार फिर उसने मुसलमानों को ललकारा। इस बार सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जानता हूँ ये अब्द वद है, आप मुझे इससे मुकाबले की इजाजत दें। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। अपनी तलवार हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को इनायत फरमाई। अपने पाक हाथों से उनके सर पर पगड़ी बांधी। अली रजी अल्लाह अन्हु दौड़ते हुए गए और अब्द वद से बोले, मैंने सुना है तुमने लोगों से कह रखा है कि जो शख्स मेरे सामने 3 बातें पेश करे तो मैं उनमें से एक को मंजूर करता हूँ। उसने कहा, हाँ ये ठीक है। इस पर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने उससे कहा, तब फिर मैं भी 3 बातें पेश करता हूँ। पहली ये कि तू इस्लाम कबूल कर ले। उसने इनकार किया। उन्होंने दूसरी बात पेश की, मुसलमानों से मत लड़, वापस चला जा। उसने इससे भी इनकार किया। तब सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने गरज कर कहा, तब फिर आ मुझसे मुकाबला कर ले। अब्द वद ये सुनकर हंस पड़ा, कहने लगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था अरब में मुझसे कभी कोई लड़ने की जुरत करेगा। ये कहकर वो घोड़े से उतर आया और बोला, तुम कौन हो? सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरा नाम अली बिन अबी तालिब है। अब्द वद ये सुनकर कहने लगा, तुम्हारे वालिद मेरे दोस्त थे, इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। ये सुनकर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लेकिन ऐ अल्लाह के दुश्मन, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। अब अब्द वद बिफर गया और आगे बढ़कर अली पर तलवार का वार किया। अली रजी अल्लाह अन्हु ने ढाल आगे कर दी। वार इस कदर जबरदस्त था कि तलवार ढाल को काट कर उनकी पेशानी पर जा लगी। वो जख्मी हो गए। जख्म खाकर वो शेर की तरह झपटे और अब्द वद पर ऐसा वार किया कि तलवार उसके कंधे को काटती सीने तक आ गई। वो वहीं ढेर हो गया। उसके गिरते ही सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने जोर से नारे तकबीर बुलंद किया। अब अब्द वद के कुछ साथी आगे बढ़े, लेकिन वो भी अल्लाह के शेर के आगे न ठहर सके, भाग निकले। उनमें से एक नौफल बिन अब्दुल्लाह खंदक में गिरा। अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसे खंदक में उतर कर तलवार से कत्ल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनू कुरैज़ा की तरफ कूच का इरादा किया तो
तो सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को फौज का झंडा देकर आगे रवाना फरमाया। फिर आप 3,000 मुजाहिदीन के साथ रवाना हुए। लड़ाई से पहले ही बनु कुरैजा हिम्मत हार गए और हथियार डाल दिए। मदीने से 60 किलोमीटर दूर फदक नामी यहूदियों की बस्ती थी। ये यहूदी खैबर के यहूदियों को मुसलमानों के मुकाबले पर उकसा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को 200 सवार देकर उनकी तरफ रवाना फरमाया। मुसलमानों ने उन लोगों को शिकस्त दी, वो भाग निकले। मुसलमानों के हाथ 500 ऊंट और 2,000 बकरियां लगी। वो उनको हांक कर मदीने ले आए। बैयते रिजवान में भी सैयदना अली साथ थे। सुल्हनामा लिखने का काम उनके सपोर्ट हुआ। उन्होंने शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा तो कुरैश के नुमाइंदे ने इस पर एतराज किया और कहा, हम रहमान को नहीं मानते, लिहाजा ये लिखा जाए बिस्मिकल्लाहुम्मा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर सैयदना अली ने यही लिख दिया। अब आपने उनसे फरमाया, लिखो, ये वो शर्तें हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से तय की हैं। सैयदना अली ने अल्फाज लिखे तो कुरैशी नुमाइंदे सुहैल बिन अम्र ने कहा, जब हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते तो फिर सुलहनामे में ये क्यों लिखा जाए, लिहाजा आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाइए। इस पर आपने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन ए अली यहाँ लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये सुनकर सैयदना अली ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ में तो ये हिम्मत नहीं है कि मैं अपने हाथ से रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दूं। उनकी बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से रसूलुल्लाह के अल्फाज मिटा दिए। उसके बाद अली ने बाकी मुआहिदा तहरीर किया। जिन यहूदियों को शरारतों की वजह से मदीने से निकाला गया था वो खैबर के कलों में जमा हो गए। बहुत से यहूदी वहां पहले से थे। ये सब मुसलमानों के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आ रहे थे। चुनाचे आपने उनकी सरकोबी का फैसला फरमाया। वो मदीने पर हमला करने की तैयारियों में भी मसरूफ थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा के साथ खैबर की तरफ रवाना हुए। सब कले एक ही करके फतह हो गए, लेकिन एक कला जिसका नाम कमूस था फतह होने में ना आया। जब आपके कई सहाबा की कोशिशें कामयाब न हो सकी तो आपने फरमाया, मैं कल झंडा एक ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, जिसके हाथ पर खैबर फतह हो जाएगा। दूसरे दिन जब तमाम सहाबा उस झंडे के मुंतजिर थे, क्योंकि वो सब अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं? बताया गया, उनकी आंखें दुखती हैं। आपने उन्हें बुलाया, आंखों में अपना लुआब लगाया, वो उसी वक्त ठीक हो गईं। आपने उन्हें झंडा देकर कमूस की तरफ रवाना फरमाया। उस कले का हाकिम मरहब था, यहूदियों के नामी गिरामी बहादुरों में से एक। सैयदना अली कमूस के सामने पहुंचे तो मरहब जिरा लगाकर अकड़ता हुआ बाहर निकला। सैयदना अली को मुकाबिल देखा और बोला, क्या मुसलमानों की फौज में तुमसे बेहतर कोई आदमी नहीं? खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, हथियार बंद, बहादुर, तजर्बेकार और लड़ाई के भड़कते शोलों का मुकाबला करने वाला। सैयदना अली ने उसके जवाब में फरमाया, मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, जंगल के शेर की तरह हैबतनाक और बहादुर, मैं दुश्मन को आंख झपकने में खत्म कर देता हूँ। मरहब ने आगे बढ़कर तलवार का वार किया। सैयदना अली तेजी से एक तरफ हो गए। फिर उन्होंने मरहब पर ऐसा भरपूर वार किया कि उनकी तलवार उसके खौत को काटकर खोपड़ी में उतर गई। फिर फौज को लेकर आगे बढ़े, कले का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। इस तरह कमोज भी फतह हो गया। सारे खैबर पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। वापस लौटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशानी को चूम लिया, फरमाया, अल्लाह तुझसे राजी हुआ और मैं भी। सैयदना अली ये सुनकर रोने लगे। ये रोना खुशी का था। इस मौके पर कुछ लोग जो हबशा में रह गए थे लौट आए। उनमें सैयदना अली के भाई जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे। उनके आने की भी सबको बहुत खुशी थी। कई साल के बिछड़े भाई एक दूसरे से मिले तो आंखों से आंसू बह निकले। 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहुत से सहाबा के साथ उमरे के लिए रवाना हुए। उनमें अली भी शामिल थे। उमरे से फारिग होकर
मुसलमान 3 दिन बाद मक्के से निकल आए और मदीने की तरफ रवाना हुए। गजवा मूता में आपके भाई जाफर बिन अबी तालिब शहीद हो गए तो आपको बहुत सदमा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिलासा दिया। उनकी शहादत के बाद जाफर बिन अबी तालिब के बच्चों की परवरिश अली ने की। उनके बेटे अब्दुल्ला जवान हुए तो सैयदना अली ने अपनी बेटी जैनब की शादी उनसे की। मक्के की फतह के मौके पर भी सैयदना अली साथ थे। काबे में रखे हुए बुतों को आपने तोड़ना शुरू किया तो सैयदना अली ने इस काम में आपका हाथ बटाया। तांबे के बुत को तोड़ने के लिए आपने अली को अपने कंधे पर सवार फरमाया। वो बहुत ऊंचाई पर था और लोहे की एक सलाख के साथ जमीन से लगा हुआ था। अली ने उस बुत को भी गिराया और काबे से बाहर फेंक दिया। मुसलमानों ने मक्का फतह किया तो कबीला हवाजिन के लोग भड़क उठे। एक बड़ा लश्कर तैयार करके मुसलमानों पर हमले का इरादा किया। आप अभी मक्के ही में थे कि उनके इरादे की खबर हुई तो आप शव्वाल 8 हिजरी में 12,000 मुसलमानों को लेकर दुश्मन की तरफ रवाना हुए। हुनैन के मकाम पर दोनों फौजें आमने सामने हुई। दुश्मन ने ये चाल चली कि रात के वक्त आसपास की पहाड़ियों में अपने तीरंदाज बिठा दिए थे। उन्होंने मुसलमानों पर अचानक तीरों की बारिश कर दी। इस्लामी फौज में मक्के के 2,000 ऐसे लोग भी थे जो कुछ ही दिन पहले इस्लाम लाए थे। वो तीरों की बौछार से घबरा कर पीछे हटे। इस तरह सारी फौज बेतरतीब हो गई। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद बहादुरों के साथ मैदान में रह गए थे। इनमें सैयदना अली भी थे। वो शुरू से आखिर तक आपके पास रहे और बेजिगरी से लड़ते रहे। जल्द ही मुसलमान संभल गए। उन्होंने पलट कर हमला किया और तब दुश्मन को शिकस्त हुई। 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को 150 सवार देकर यमन के कबीला बनू तय की तरफ रवाना किया। वो लोग मुसलमानों की आमद की खबर सुनकर भाग गए। अली रजी अल्लाह अन्हु ने बनू तय का बुत खाना गिरा दिया, बुत तोड़ डाले। इस लड़ाई के बाद मशहूर सखी हातिम ताई की बेटी और बेटा अदी मुसलमान हो गए। फतह मक्का के बाद ये खबर सुनने में आई कि रोम का बादशाह मुसलमानों पर हमला करने के लिए पर तोल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे बढ़कर इसे रोकने का फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर सैयदना अली को अपना कायम मकाम बनाया और खुद 30,000 फौज लेकर रवाना हुए। बाज मुनाफिकीन ने अली को ताना दिया कि वो जंग से बचने के लिए नहीं गए। इस पर उन्हें रंज हुआ, हथियार लगाकर रवाना हुए, लश्कर तक पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आने की वजह पूछी तो अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शुरू से लेकर आज तक अल्लाह की राह में लड़ने से कदम पीछे नहीं हटाए, लेकिन मालूम नहीं इस मर्तबा मुझे जिहाद में शरीक करने के बजाय मदीने में क्यों छोड़ दिया गया। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि तुम्हारा मेरे साथ वही ताल्लुक हो जो मूसा अलैहि सलाम का हारून अलैहि सलाम से था, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मतलब ये था कि जिस तरह मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर पर जाते वक्त हारून अलैहि सलाम को अपना कायम मकाम बना गए थे, इसी तरह मैंने तुम्हें अपना कायम मकाम बनाया था, लेकिन हारून अलैहि सलाम नबी भी थे जबकि तुम नबी नहीं हो सकते, इसलिए कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपका ये इरशाद सुनकर सैयदना अली खुश हो गए और मदीने वापस होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम मकामी का फरीजा अंजाम देते रहे, यहाँ तक कि आप तबूक से वापस तशरीफ ले आए। मक्का की फतह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो यमन जाकर कबीला हमदान को इस्लाम की दावत दें। वो गए, बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल न किया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला हमदान के नाम एक खत भी दिया। अली रजी अल्लाह अन्हु ने वो खत उन्हें सुनाया और इस्लाम की दावत दी। इस खत के अल्फाज का असर उन पर हुआ। फिर सैयदना अली ने जो उनके सामने वास किया वो भी बहुत असरंगेज था, चुनाचे उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदाए शुक्र अदा किया और फरमाया, हमदान के लोगों पर सलामती हो,
हमदान के लोगों पर सलामती हो। हिजरत के 10वें साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाहु अन्हु को एक और कबीले मजहज की तरफ रवाना फरमाया ताकि उन्हें इस्लाम की दावत दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि उस वक्त तक तलवार न उठाई जाए जब तक तुम पर कोई हमला न करे। सय्यदना अली रजी अल्लाहु अन्हु 300 सवारों के साथ मजहज के इलाके में पहुंचे। वो लोग लड़ने पर तुले हुए थे, चुनाचे जबरदस्त मारका हुआ, आखिर वो लोग भाग निकले। इसके बाद कबीले के सरदार और बहुत से दूसरे लोग खुद अली रजी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को वहां का काजी भी मुकर्रर फरमाया। आप रजी अल्लाहु अन्हु चंद माह वहां रहे। इस दौरान में सय्यदना अली रजी अल्लाहु अन्हु ने मुकदमात के फैसले भी किए। हिजरत के 10वें साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया। सय्यदना अली भी यमन से आकर इस यादगार हज में शरीक हुए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कुर्बानी के ऊंटों का गोश्त तकसीम किया। हज से वापस आने के कुछ ही अरसे बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए। हिजरत के 11वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। ये सदमा अली रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। उन्होंने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु, उनके दो बेटों कुसम और फजल रजी अल्लाहु अन्हुम और एक अंसारी सहाबी के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। उस वक्त उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर को अपने बदन से लगा रखा। कब्र मुबारक तैयार हो गई तो सय्यदना अली ने फजल बिन अब्बास, उसामा बिन जैद और अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हुम के साथ मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु को खलीफा चुन लिया। 6 माह बाद सय्यदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा भी इस दुनिया से रहलत कर गईं। अबू बकर को अली से बहुत मोहब्बत थी, उनकी बहुत इज्जत करते थे, खिलाफत के कामों में उनसे मशवरे भी लेते थे। अली भी उनसे उसी तरह मोहब्बत करते थे। मुर्तद हो जाने वालों से जंग हुई तो अली ने भी दूसरे सहाबा के साथ मिलकर उनका मुकाबला किया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने वफात पाई तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उनके दरवाजे पर आए और फरमाया, आप पर अल्लाह की रहमत हो, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी और मदद करने वाले, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले और सबसे बढ़कर दीन को नफा पहुंचाने वाले थे। इसके बाद देर तक उनकी खूबियों और भलाइयों का जिक्र करते रहे। अबू बकर की वफात के बाद उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। उन्होंने मजलिस शूरा कायम की तो उसमें अली रजी अल्लाह अन्हु को भी शामिल किया। उनकी खिलाफत का जमाना 10.5 बरस तक रहा। उस जमाने में भी आप रजी अल्लाह अन्हु से बाकायदा मशवरे लिए जाते रहे। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु उनके मशवरों को बहुत अहमियत देते थे। जिन झगड़ों का फैसला दूसरे सहाबा नहीं कर पाते थे वो सय्यदना अली रजी अल्लाह अन्हु के सामने पेश किए जाते थे। उमर फरमाया करते थे, हम में से सबसे बड़े काजी अली रजी अल्लाह अन्हु हैं। एक मर्तबा उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कोई फैसला दिया तो अली ने उसके खिलाफ राय दी, उमर ने उनकी राय को दुरुस्त करार दिया। सय्यदना उमर के दिल में अली की न सिर्फ बहुत मोहब्बत थी बल्कि वो उनकी बहुत इज्जत भी करते थे। उन्हें अली पर पूरा भरोसा था। 16 हिजरी में बैतुल मक़दस तशरीफ ले गए तो सय्यदना अली को अपना कायम मकाम बनाया। सय्यदना उमर के जमाने में सबसे बड़ी लड़ाई नहामंद की लड़ाई समझी जाती है। इस मौके पर ईरानियों का बहुत बड़ा लश्कर जमा हो गया था। सय्यदना उमर ने सय्यदना अली को मुसलमानों के लश्कर का सिपहसालार बनाना चाहा लेकिन उन्होंने मदीने से बाहर जाने से इनकार कर दिया। फिर उमर ने खुद सालार बनकर जाने का इरादा किया तो सय्यदना अली ने इसका भी मशवरा न दिया और फरमाया, आप मदीने को हरगिज न छोड़ें। उमर रजी अल्लाह अन्हु को अली का ये मशवरा भी मानना पड़ा। सय्यदना उमर ने अपनी वफात से पहले खिलाफत के लिए 6 सहाबा के नाम तजवीज किए थे कि मुसलमान इन 6 में से किसी को खलीफा बना ले। उनमें एक नाम अली का था, दूसरा नाम सय्यदना उस्मान का था, बाकी 4 नाम ये थे, साद बिन अबी बक्कास, अब्दुर्रहमान बिन औफ,
जुबैर बिन अव्वाम और तलहा बिन उबैदुल्ला रजी अल्लाह अन्हुम। इन चारों ने अपने नाम वापस ले लिए तो खिलाफत के लिए सिर्फ दो नाम रह गए, सैयदना उस्मान और सैयदना अली। उन लोगों ने आखिर सैयदना उस्मान के बारे में फैसला दिया। इस तरह मुसलमानों के तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान हुए। इस दौरान में भी इन दोनों के ताल्लुकात बहुत खुशगवार रहे। सैयदना उस्मान को कोई शरई सजा देने का मसला पेश आता तो सैयदना अली के जरिए फैसला कराते। हर साल हज के लिए जाते वक्त सैयदना अली को भी साथ ले जाते। अली ने हमेशा उन्हें अच्छे मशवरे दिए। जिस जमाने में सैयदना उस्मान के खिलाफ साजिश शुरू हुई तो अली ने साजिश की आग को बुझाने के लिए उस्मान को बहुत मशवरे दिए। मिस्र के बागी मदीने पर चढ़ाए तो सैयदना अली ने उन्हें समझा बुझाकर वापस रवाना किया। वो लोग तो सैयदना उस्मान के खून के प्यासे थे। रात की तारीकी में फिर लौट आए। कूफे और बसरे के बागियों ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने सैयदना उस्मान के घर को घेर लिया। उस वक्त भी सैयदना अली ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। वो न माने तो अपने बेटों सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा को सैयदना उस्मान की हिफाजत के लिए उनके दरवाजे पर मामूर फरमाया। एक मरतबा बड़ी मुश्किल से सैयदना उस्मान तक पानी पहुँचाया। इस झड़प में हसन जख्मी हुए। फिर कुछ बागी दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए और सैयदना उस्मान को शहीद कर दिया। उनकी शहादत के बाद मदीने की हालत अजीब थी। शहर पर उन बागियों का कब्जा था। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। लाखों मुरब्बा मील पर फैली हुई इस्लामी सल्तनत का कोई सरबराह नहीं था। उन सब का ख्याल था कि इस नाजुक वक्त में अली रजी अल्लाह अन्हु ही खिलाफत के लायक है। आखिर सैयदना अली से दरखास्त की गई कि वो खिलाफत की जिम्मेदारी संभाले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनके इनकार से हालात और भी नाजुक हो गए, इसलिए कि खिलाफत की जगह ज्यादा दिन तक खाली नहीं छोड़ी जा सकती थी। अब मुहाजरीन, अंसार और मदीने में मौजूद तमाम लोगों ने सैयदना अली से सख्त इसरार किया कि वो खलीफा बनना मंजूर कर ले। ये दरखास्त करने वालों में बागी भी शामिल थे। आखिर सैयदना अली को उन सब की बात मानना पड़ी और खिलाफत का बोझ उठाने के लिए तैयार हो गए। चुनांचे सैयदना उस्मान की शहादत के तीन दिन या छह दिन बाद मदीने में मौजूद तमाम लोगों ने मस्जिद नबवी में सैयदना अली के हाथ पर बैत कर ली। इस तरह वो मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद बने। वो पौने पांच साल तक खलीफा रहे। इस सारी मुद्दत वो सख्त मुश्किल में घिरे रहे। कोई और होता तो शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन वो अल्लाह के भरोसे पर तमाम मुश्किलात और मुसीबतों का आखिरी दम तक बड़े हौसले और पामर्दी के साथ मुकाबला करते रहे। खलीफा बनते ही सबसे पहली मुश्किल ये पेश आई कि उस्मान के कातिलों को किस तरह पकड़ा जाए। सैयदना उस्मान की शहादत कोई मामूली वाकया नहीं थी। जो ही सैयदना उस्मान की शहादत की खबर चारों तरफ फैली, लाखों मुसलमान गम और गुस्से से तड़प उठे। हर तरफ से बस यही आवाज बुलंद होने लगी, उस्मान के खून का बदला लिया जाए, उनके कातिलों को पकड़कर सख्त सजा दी जाए। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु भी कातिलों को पकड़ना चाहते थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि जो लोग सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के मकान को घेरने में शरीक थे उनकी तादाद हजारों में थी। उनमें से कातिलों को तलाश करना आसान काम न था। किसी खास शख्स के खिलाफ मौके का कोई गवाह मौजूद न था। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के वक्त सिर्फ उनकी जौजा मोहतरमा नाइला रजी अल्लाह अन्हा उनके पास मौजूद थी। शौहर को बचाने की कोशिश में उनके हाथ की तीन उंगलियां कट गई थीं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि तीन आदमी अंदर आए थे, उनमें से एक मुहम्मद बिन अबी बकर थे। ये अबू बकर के छोटे बेटे थे। वालिद की वफात के बाद उनकी परवरिश सैयदना अली ने की थी। उनके अलावा दो आदमियों के बारे में नाइला रजी अल्लाह अन्हा ने बताया कि वो उन्हें नहीं पहचानती। अली रजी अल्लाह अन्हु ने मुहम्मद बिन अबी बकर को पकड़कर पूछा तो उन्होंने कहा, मैं मकान में दाखिल जरूर हुआ था, लेकिन जब उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने मुझसे फरमाया कि भतीजे तुम्हारे वालिद जिंदा होते तो उन्हें तुम्हारी ये हरकत पसंद ना आती, तो मैं शर्मिंदा होकर पीछे हट गया और बाहर निकल गया। नाइला रजी अल्लाह अन्हा ने भी मुहम्मद बिन अबी बकर की बात की तस्दीक की। गरज इस तरह असल कातिलों का पता न चल सका और सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो कोई कार्रवाई न कर सके। बहुत से लोग उस मौके पर इस शक में मुब्तला हो गए
कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो जान बूझ कर कातिलों को नहीं पकड़ रहे। इस शक की एक वजह यह थी कि सारे बागी अली रजी अल्लाह अन्हो की बैत कर चुके थे और बहुत से तो उनकी फौज में शामिल हो गए थे। उस वक्त के हालात ये इजाजत नहीं देते थे कि उन सबको चुन चुन कर फौज से निकाल दिया जाए। इस्लाम का कानून भी ये इजाजत नहीं देता कि गवाही के बगैर किसी को कातिल ठहराया जाए। ताहम अक्सर लोग सैयदना अली की मुश्किलात से पूरी तरह आगाह थे। अली से ये बात साबित है कि कसम उठाकर फरमाते थे कि मैं उस्मान की शहादत से बिल्कुल बरी हूं। उस जमाने में आपने ये कदम उठाया कि सैयदना उस्मान के गवर्नरों को हटाकर उन सब की जगह नए गवर्नर मुकर्रर फरमाए। नए गवर्नर अपने अपने सूबे और इलाके में पहुंच गए। पुराने गवर्नरों ने उनके लिए जगह छोड़ दी। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने गवर्नरी से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। उनकी जगह सैयदना अली ने सहल बिन हुनैफ को शाम का गवर्नर मुकर्रर फरमाया था। ये जब शाम की सरहद पर पहुंचे तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की फौज ने उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया और सैयदना मुआविया ने उनके जरिए सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को ये पैगाम पहुंचाया, जब तक उस्मान के कातिलों को नहीं पकड़ा जाएगा वो गवर्नरी से दस्तबरदार नहीं होंगे। गोया सैयदना अली के रास्ते में सबसे पहली ये रुकावट पेश आई। अभी वो उसकी तरफ पूरी तरह तवज्जो नहीं दे सके थे कि एक और मुश्किल पेश आ गई। सैयदना उस्मान की शहादत से पहले उम्मत की माँ सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा हज के लिए मक्का गई थी। हज के बाद मक्के से वापस आ रही थी कि रास्ते में उनके एक करीबी रिश्तेदार मिले। उन्होंने बताया कि सैयदना उस्मान शहीद कर दिए गए हैं और लोगों ने सैयदना अली के हाथ पर बैत कर ली है, लेकिन मदीने में अभी तक फितना और फसाद फैला हुआ है। ये खबर सुनकर वो मक्के की तरफ वापस पलट गईं। इतने में मदीने से सैयदना तलहा और सैयदना जुबैर भी उनके पास पहुंच गए। ये दोनों बहुत ऊंचे मर्तबे के बुजुर्ग थे, अशरा मुबशरा में से थे। उन्होंने भी यही बताया कि मदीने के लोग फसादियों के हाथों परेशान हैं, ना तो वो अपनी हिफाजत कर सकते हैं और न उनमें सैयदना उस्मान के खून का बदला लेने की ताकत है। मक्के के लोगों ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा से वापसी का सबब पूछा तो उन्होंने फरमाया, उस्मान मजलूम शहीद कर दिए गए और फितना दबता हुआ नजर नहीं आता है, इसलिए तुम फितने को दूर करने और शहीद खलीफा के कातिलों से बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ, इसी तरह इस्लाम की इज्जत बचाई जा सकती है। इस पर हजारहा मुसलमान सैयदा आयशा जुबैर और तलहा के साथ हो लिए। इस लश्कर ने बसरा पहुंचकर उस पर कब्जा कर लिया। जब सैयदना अली को खबर मिली तो वो भी अपना लश्कर लेकर बसरा के करीब पहुंच गए और सुलह की कोशिश शुरू कर दी। दूसरी तरफ सैयदा आयशा ने अपने आने की वजह बयान फरमाई। अली ने अपनी मजबूरी और मुश्किलात बयान फरमाई। दोनों ने एक दूसरे की बात को अच्छी तरह समझ लिया और करीब था कि सुलह हो जाती, लेकिन बदकिस्मती से दोनों तरफ की फौजों में कुछ बदनीयत मुनाफिक लोग शामिल थे। उन्हें अपना फायदा इसमें नजर आ रहा था कि सुलह न हो, लिहाजा उन्होंने रात ही को जंग छेड़ दी। अली ये समझे कि आयशा ने जंग शुरू कर दी, आयशा ये समझी कि अली ने जंग शुरू कर दी है। इस तरह दोनों फौजों में जंग शुरू हो गई। दोनों फौजों में सख्त लड़ाई हुई। इसमें आखिरकार सैयदना अली को फतह हुई। फतह के बाद अली ने उनके भाई मोहम्मद बिन अबी बकर को उनका हाल मालूम करने के लिए भेजा और आम ऐलान करा दिया कि भागने वालों का पीछा न किया जाए, लूट मार न की जाए, जख्मियों पर घोड़े न दौड़ाए जाए, जो हथियार फेंक दें उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचाई जाए। फिर उन्होंने खुद सैयदा आयशा के पास जाकर पूछा, ऐ मोमिनों की माँ, आपका मिजाज कैसा है? उन्होंने फरमाया, ठीक हूँ। इसके बाद सैयदना अली ने उन्हें चंद दिन बसरा में आराम और आसाइश के साथ ठहराया। फिर मोहम्मद बिन अबी बकर की निगरानी में उन्हें 40 शरीफ और मुअज्जज़ ख़वातीन के साथ मक्के की तरफ रवाना किया। उस वक्त आयशा ने फरमाया, मेरे बच्चों, ये लड़ाई गलतफहमी का नतीजा थी। अली से न पहले मेरा कोई झगड़ा था न अब है। सैयदना अली ने जवाब में फरमाया, आप सच फरमाती हैं, आप हम सबकी माँ हैं, आपकी इज्जत करना हम पर वाजिब है। फिर वो मक्के आ गई। इस लड़ाई में आयशा ऊंट पर सवार थी, इसलिए इस लड़ाई को जंगे जमल कहा जाता है।
ये लड़ाई जमादियुल आखिर 36 हिजरी में पेश आई। इस जंग के बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हमेशा पशिमान रही और याद करके रोती थी। जमल की लड़ाई के बाद सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने चंद दिन बसरा में क़याम किया, फिर 12 रजब 36 हिजरी में कूफा चले आए और इस शहर को हुकूमत का सदर मकाम या दारुल खिलाफा करार दिया। दारुल खिलाफा पहले मदीना था। ये फैसला उन्होंने इसलिए किया कि मदीने को फसाद और झगड़ों से बचाया जा सके। अब उन्होंने फिर शाम की तरफ तवज्जो दी। जरीर बिन अब्दुल्लाह के हाथ एक खत अमीर मुआविया को भेजा। उसमें लिखा कि तुम भी मुहाजरीन और अंसार की तरह मेरी बैत करो। इसके बाद कायदे के मुताबिक शहादत उस्मान का मुकदमा पेश करो। मैं अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक फैसला करूंगा। अमीर मुआविया ने इस खत के जवाब में लिखा कि आप उस्मान के कातिलों को हमारे हवाले कर दें तो मैं और शाम के दूसरे तमाम लोग खुशी से आपकी बैत करेंगे। इस तरह कुछ मुद्दत तक खतो किताबत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन सुलह की कोई सूरत न बन सकी। उधर शाम के सदर मकाम दिमश्क की जामे मस्जिद में सैयदना उस्मान के खून आलूद कपड़े और नायला रजी अल्लाह अन्हा की कटी हुई उंगलियां रख दी गईं। उनको देख देख कर लोग जारो कतार रोते थे, कातिलों से बदला लेने का अहद करते थे। जब अली को यकीन हो गया कि अमीर मुआविया बैत नहीं करेंगे तो उन्होंने जंग की तैयारी की और करीबन 80,000 फौज लेकर शाम की तरफ रवाना होने का इरादा किया। दूसरी तरफ अमीर मुआविया भी एक बड़े लश्कर के साथ मुकाबले के लिए आए। दोनों फौजें दरियाए फुरात के करीब पहुंची। शामी फौजों ने घाट पर कब्जा करके पानी पर पहरे बिठा दिए, लेकिन दूसरे दिन सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की फौज ने शामियों पर हमला करके उन्हें पीछे धकेल दिया और घाट पर कब्जा करके सबके लिए पानी आम कर दिया। अब दोनों फौजों ने सिफीन के मकाम पर एक दूसरे के सामने मोर्चे कायम कर लिए। ये मकाम शहर हलब के जुनूब मशरिक और शहर हिम्स के शिमाल मगरिब में दरियाए फुरात के किनारे पर था। 3 महीने 20 दिन तक दोनों फौजें आमने सामने पड़ी रहीं। इस दौरान में दोनों फरीक बातचीत के जरिए मसला हल करने की भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन अफसोस किसी फैसले पर न पहुंच सके। छोटी छोटी झड़पें होती रहीं। आम लड़ाई मुहर्रम 37 हिजरी तक शुरू न हो सकी। आखिर सफर में दोनों फौजों में जंग शुरू हुई। ये जंग कई दिन तक जारी रही। दोनों तरफ मुसलमानों का खून बहता रहा। मुनाफिक और फसादी लोग इस मौके से खूब फायदा उठाते रहे। इन्हीं लोगों की वजह से सुलह की कोशिशें नाकाम होती रहीं। फिर एक दिन अली रजी अल्लाह अन्हु की फौज ने इतना जबरदस्त दबाव डाला कि शामी फौज के पांव उखड़ने लगे। इतने में शामी फौज का एक दस्ता कुरान को नेजों पर उठाकर आगे बढ़ा और पुकार कर कहा, ये देखो हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब है। अली रजी अल्लाह अन्हु की फौज ने कुरान देखकर हाथ रोक लिए। लड़ाई बंद हो गई। इसके बाद फिर बातचीत शुरू हो गई। आखिर तय पाया कि खिलाफत का फैसला 2 सालिसों के सुपुर्द कर दिया जाए। वो आपस में मिलकर जो फैसला करेंगे उनका फैसला सबको कबूल होगा। एक सालिस सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु मुकर्रर करें, दूसरा सालिस अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु मुकर्रर करेंगे। चुनाचे सैयदना अली की तरफ से अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह अन्हु मुकर्रर हुए और अमीर मुआविया की तरफ से अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु। उनसे कहा गया कि वह रमजान के महीने तक फैसला कर दें। इसके बाद सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु अपनी फौज के साथ दिमश्क चले गए। सैयदना अली कूफे की तरफ रवाना हुए। उस मौके पर उनकी फौज 2 हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा सालिस मुकर्रर करने का हामी था, जबकि दूसरा कहता था कि कुरान को छोड़कर इंसानों को हकम या फैसला करने वाला बनाना गुनाह है। दोनों ग्रोह आपस में झगड़ते रहते थे और बात बात पर तलवारें निकाल लेते थे। अली रजी अल्लाह अन्हु बड़ी मुश्किल से उन्हें कूफा तक लाए, लेकिन 12,000 आदमी जो सालिसों से फैसला कराने के खिलाफ थे फौज से अलग होकर हरूरा के मकाम पर चले गए। इन लोगों को खारजी कहा गया। दोनों सालिसों ने जो फैसला दिया वो एक दूसरे से मुख्तलिफ था।
सैयदना अबू मूसा अशरी का फैसला ये था कि अली और अमीर मुआविया में से किसी को खलीफा मुकर्रर न किया जाए, उन्हें छोड़कर मुसलमान जिसे चाहें खलीफा बना लें। सैयदना अमर बिन आस का फैसला ये था कि अबू मूसा अशरी ने अली को खिलाफत से अलग कर दिया है, मैं उनकी जगह मुआविया को खलीफा मुकर्रर करता हूँ। इस पर हर तरफ शोर मच गया। सैयदना अली के हामियों ने यह फैसला मानने से इनकार कर दिया। अब फिर सैयदना अली फौज लेकर दमिश्क की तरफ बढ़ना चाहते थे कि खारजियों ने हर तरफ फसाद मचा दिया। उन्होंने जत्थे बनाकर लोगों को लूटना शुरू कर दिया। आखिर अली रजी अल्लाह अन्हो पहले उनकी तरफ बढ़े। नहरवान के मकाम पर शदीद जंग हुई, 4000 खारिजी मारे गए। इस तरह खारिजियों का जोर टूट गया, लेकिन उनकी टोलियां आए दिन फितना बर्पा करती रहती थी। दूसरी तरफ सैयदना अमीर मुआविया ने अम्र बिन आस को फौज देकर मिस्र पर चढ़ाई कर दी। वहां अली की तरफ से मोहम्मद बिन अबी बकर गवर्नर थे। उन्होंने शामी फौज से शिकस्त खाई और खुद भी गिरफ्तार हुए, फिर कत्ल कर दिए गए। मिस्र के बाद शामी फौज ने हिजाज, इराक और यमन वगैरह पर हमले शुरू कर दिए। अली को मुल्क की अंदरूनी शोरिशों की वजह से इस्लामी फतूहात के दायरे को बढ़ाने का मौका न मिल सका। फिर भी 35 हिजरी में उन्होंने बहरी रास्ते से हिंदुस्तान पर हमले की इजाजत दी। चुनाचे उस जमाने में कोकन बंबई पर कामयाब हमला किया गया। ये इलाका उस वक्त सिंध में शामिल था। नहरवान की लड़ाई के बाद सैयदना अली का इरादा शाम पर हमला करने का था। उन्होंने जंग की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन दूसरी तरफ खारजियों ने साजिश तैयार की कि अली, मुआविया और अम्र बिन आस तीनों को कत्ल कर दिया जाए। उनके ख्याल में अमन इसी सूरत में कायम हो सकता था। चुनाचे इस काम के लिए 3 आदमी मुकर्रर हुए। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने अली को, बरक बिन अब्दुल्लाह ने अमीर मुआविया को और अम्र बिन बकर ने अम्र बिन आस को शहीद करने का जिम्मा लिया। इन बदबख्तों ने रमजान 40 हिजरी में एक ही रोज फज्र की नमाज के वक्त इन तीनों बुजुर्गों पर हमला करने का फैसला किया। मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस उस रोज बीमार थे। उन्होंने उस रोज खारिजा बिन हुजाफा को नमाज पढ़ाने के लिए भेजा, लिहाजा अम्र बिन बकर ने उनके धोखे में खारिजा बिन हुजाफा को शहीद कर दिया। दमिश्क में बरक बिन अब्दुल्लाह ने अमीर मुआविया पर हमला उस वक्त किया जब वो मस्जिद के दरवाजे से निकल रहे थे, उन्हें मामूली जख्म आया। कूफे में अब्दुर्रहमान बिन मुलजम मलून सैयदना अली के रास्ते में छुपकर बैठ गया। जब वो फज्र की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले तो उन पर तलवार का वार किया, सर पर शदीद जख्म आया। इब्ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। सैयदना अली ने अपने बेटों हसन और हुसैन को बुलाकर कुछ नसीहतें की और अपने कातिल के बारे में फरमाया, इसे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ और अच्छी तरह रखो। अगर मैं इस जख्म से मर जाऊं तो इसे कत्ल करना, शरीयत का यही हुक्म है। इसके नाक और कान वगैरह न काटना। अगर मैं बच गया तो मेरी मर्जी, चाहे इससे बदला लूं या मुआफ कर दूं। इब्ने मुलजम की तलवार जहर आलूद थी, वो उस जख्म से शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊं। ये रमजान की 17, 18, 19, 20 या 21 में से कोई तारीख थी। हिजरत का 40वां साल था और उनकी उम्र उस वक्त 63 साल थी। सैयदना अली को अपनी खिलाफत के जमाने में सुकून का सांस लेना नसीब न हुआ, फिर भी उन्होंने मुल्की इंतजामात के सिलसिले में कोई कसर उठा न रखी। मिजाज में हद दर्जे सादगी थी, अल्लाह का खौफ बेपनाह था। फकीराना जिंदगी बसर की, गवर्नरों और अफसरों की सख्त निगरानी करते थे। किसी ओहदेदार के खिलाफ शिकायत मिलती तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। आपको अदल व इंसाफ का हद दर्जे ख्याल था, सबसे पूरा पूरा इंसाफ करते थे, यहाँ तक कि अपनी जात से भी इंसाफ करते। हर एक के लिए उनका दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। बिला रोक टोक कोई भी उनके पास आ सकता था। रियाया पर बहुत मेहरबान थे, उनकी बेहतरी के लिए जो हो सकता था करते थे। बाजारों में गश्त करते थे, बैतुल माल में जो रकम जमा होती थी खुले दिल के साथ गरीबों, मिस्कीनों और दूसरे हकदारों में तकसीम फरमा देते। गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे। बसरे के गवर्नर उस्मान बिन हुनैफ ने किसी अमीर आदमी की दावत कबूल कर ली। आपको इत्तला मिली तो उसे लिखा, ए इब्ने हुनैफ,
मैंने सुना है कि बसरे के एक दौलतमंद ने तुम्हें बड़ी शानदार दावत दी। तुमने ये दावत कबूल कर ली और किस्म किस्म के खाने बड़े इत्मीनान और बड़े मजे से खाए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस किस्म की दावतों में शरीक हुआ करोगे जिनमें गरीबों को पूछा तक नहीं जाता। अपने हक से ज्यादा बैतुल माल से एक पैसा भी लेना हराम समझते थे। मुल्क की हिफाजत के लिए छोटी बड़ी फौजी छावनियां कायम की, कई मजबूत किले बनवाए, दरियाए फुरात पर एक पुल बनवाया, बास जगहों पर मस्जिदें भी बनवाई। उम्र भर किसी न किसी सूरत दीन की खिदमत करते रहे। काफिरों के खिलाफ तमाम बड़ी बड़ी लड़ाइयों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हर लड़ाई में जान हथेली पर रख कर लड़े। यमन के हजारों लोगों को अपनी कोशिशों से मुसलमान बनाया। उनको एक बार इत्तिला मिली कि कुछ लोग हैं जो उन्हें माबूद मानते हैं। आपने उन लोगों को पकड़वाया और सख्त सजा दी। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा की उन्हें छोड़ दिया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने मिसाली जिंदगी बसर की। तमाम जिंदगी मामूली से मकान में रहे। दरवाजे पर कोई दरबान नहीं होता था। शान और शौकत से नफरत थी। कपड़ों में पैबंद लगे होते, पैबंद खुद ही लगा लेते। दुकानदारों को चेक करते थे, अपना वजीफा और दूसरी आमदनी खैरात कर देते थे। एक दिन अपने खादिम कंबर को बाजार ले गए, अपने लिए मोटा झूठा कपड़ा खरीदा, उसके लिए कीमती। उसने कहा, मेरे लिए ऐसे कपड़े की क्या जरूरत थी? आपने फरमाया, भाई तुम जवान हो, तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा होना चाहिए। मेरा क्या है, बूढ़ा हूँ, बाजार से सौदा खुद लाते। जरीर नामी शख्स ने आपके दस्तरखान पर सादा खाना देखकर कहा, आपको परिंदों का गोश्त पसंद नहीं? आपने फरमाया, खलीफा को मुसलमानों के माल में सिर्फ दो प्यालों का हक है, एक खुद खाए या अपने बच्चों को खिलाए, दूसरा अल्लाह की मखलूक के सामने पेश कर दे। ईद से चंद रोज पहले किसी ने आपके कपड़ों में पैबंद देखकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप दो दिरहम में एक नया जोड़ा क्यों नहीं खरीद लेते? आपने फरमाया, मुझे शर्म आती है कि मैं नए कपड़े पहनूं और कूफे में हजारों आदमियों ने पुराने कपड़े पहन रखे हों। कहीं से माल आता तो तमाम का तमाम तकसीम कर देते, उसमें से अपने लिए कोई खास चीज लेते न रिश्तेदारों को उनके हिस्से से ज्यादा देते। एक मर्तबा आपकी जिरह गुम हो गई। चंद दिन बाद वो जिरह एक यहूदी के पास नजर आई। आपने उससे कहा, ये जिरह मेरी है, तुम्हारे पास कहां से आ गई? उसने कहा, नहीं, जिरह मेरी है। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, चाहते तो उससे जबरदस्ती ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मामला कूफे के काजी शुरह की अदालत में ले गए। काजी साहब ने आपका दावा सुना, यहूदी का जवाब सुना, फिर अली से कहा, अपने गवाह लाइए। उन्होंने फरमाया, मेरा बेटा हसन और गुलाम कंबर इस बात के गवाह हैं कि जिरह मेरी है, उनकी गवाही ले लें। काजी साहब ने कहा, बेटे की बाप के हक में और गुलाम की आका के हक में गवाही कबूल नहीं की जा सकती। इस पर सैयदना अली ने फरमाया, अजीब बात है, आप हसन की गवाही कबूल नहीं करते। क्या आपको मालूम नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को जन्नत के जवानों के सरदार फरमाया है? काजी साहब ने कहा, मुझे ये बात मालूम है, लेकिन मैं हसन की गवाही नहीं लूंगा। अगर किसी के रुतबे को देखकर फैसला देना होता तो आपका ये फरमाना ही काफी था कि जिरह मेरी है। ये सुनकर अली ने खुश होकर फरमाया, मुझे आपका फैसला मंजूर है, ये जिरह यहूदी के पास ही रहेगी। उनकी बात सुनकर यहूदी पुकार उठा। काजी साहब ने जो फैसला दिया और अली ने जिस तरह इस फैसले को माना, उससे मुझे यकीन हो गया कि आपका दीन सच्चा है, ये जिरह वाकई अली रजी अल्लाह अन्हो की है। इसके साथ ही वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आप दरमियाने कद के दोहरे बदन के थे, चेहरा बहुत खूबसूरत और बारोब रौनक वाला था। खैबर की लड़ाई के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दुआ दी थी, ए अल्लाह, अली से गर्मी सर्दी का असर दूर कर दे। इस दुआ का ये असर था कि आप हर मौसम में हर तरह का कपड़ा पहन लेते थे। जरूरत के वक्त आप मेहनत मजदूरी कर लेते थे। आप इल्म का समुंदर थे। आपकी इल्मी बातें बहुत मशहूर
और हैरत अंगेज हैं। एक औरत सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई। उसने शिकायत की कि मेरा भाई 600 दीनार छोड़कर फौत हुआ है। जब ये रकम वारिसों में तकसीम की गई तो मुझे सिर्फ एक दीनार दिया गया कि तुम्हारे हिस्से में एक ही दीनार आता है। आप रजी अल्लाह अन्हु ने उसकी शिकायत पर गौर किया, फिर बोले, शायद तुम्हारे भाई ने एक बीवी, दो लड़कियां, एक माँ, एक बहन और 12 बेटे छोड़े हैं। औरत ने हैरान होकर कहा, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। इस पर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तब तुम्हारे हिस्से में एक ही दीनार आता है। सैयदना अली दिन रात का ज्यादा हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। नमाज पढ़ते तो अल्लाह की जात के सिवा किसी चीज का होश न रहता। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम और उस्मान ज़ुन्नूरैन रजी अल्लाह अन्हुम अपने दौरे खिलाफत में सैयदना अली से खास मामलात में मशवरा करते थे। शुजात सैयदना अली का खास वस्फ था। इतने बहादुर और निडर थे कि ताकतवर से ताकतवर दुश्मन की परवाह नहीं करते थे। तबूक के अलावा करीब करीब हर लड़ाई में वो शरीक रहे। उन्हें अल्लाह का शेर लकब मिला। निहत्ते पर वार नहीं करते थे। एक लड़ाई में अपने दुश्मन को गिरा लिया, उसे कत्ल करने लगे तो उसने उनके मुंह पर थूक दिया, वो फौरन उसके सीने से उतर आए, उसकी जान बख्श दी। किसी ने पूछा, आपने उसे क्यों छोड़ दिया? फरमाया, मैं तो उससे अल्लाह के लिए लड़ रहा था। उसने जो हरकत की तो इस पर मुझे गुस्सा आ गया। अब मैं उसे कत्ल करता तो गोया इस कत्ल में मेरा गुस्सा भी शामिल होता। इसका मतलब ये होता कि मैंने उसे अपनी जात के लिए कत्ल किया है। सैयदना अली की बहादुरी के वाकयात हमेशा ताबिन्ना रहेंगे। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। रसूलुल्लाह को भी सैयदना अली और आपकी औलाद से बहुत मोहब्बत थी। सैयदना हसन और हुसैन को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर उठाते और फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर, और जो इनसे बोझ रखे तू भी उन्हें मबगूज रख। सैयदा फातिमा से सैयदना अली के यहाँ 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। इनके नाम ये हैं, हसन, हुसैन, मोहसिन, जैनब और उम्मे कुलसूम। मोहसिन बचपन में फौत हुए। सैयदा फातिमा की जिंदगी में सैयदना अली ने दूसरी शादी नहीं की। उनकी वफात के बाद कई शादियां की जिनसे 11 लड़के और 15 लड़कियां हुई। इस तरह उनके कुल 14 लड़के और 17 लड़कियां हुई।